वृंदावन के पॉन्टून पुल के समीप यमुना स्नान के दौरान चार युवक गहरे पानी में चले गए। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय गोताखोरों ने तीन को बचा लिया, लेकिन एक युवक का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है, जिसकी तलाश में पुलिस और गोताखोर जुटे हुए हैं। यमुना के पॉन्टून पुल पर उस समय दर्दनाक हादसा घटित हो गया जब मथुरा के सदर क्षेत्र और वृंदावन से आए चार युवक अचानक यमुना स्नान के दौरान गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। चीख पुकार सुनकर और युवकों को पानी में डूबता देख मौके पर मौजूद लोगों ने यमुना में छलांग लगाकर तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि एक युवक जिसका नाम लालू है उसका कुछ पता नहीं चल सका। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर संजीव कुमार दुबे और सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी पुलिस बल के साथ लालू की तलाश में जुट गए, जबकि यमुना से निकाले गए आकिब और फरमान को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए साथी युवक सद्दाम ने बताया कि सभी मथुरा सदर बाजार के रहने वाले हैं और आज वह वृंदावन घूमने के लिए आए थे। गर्मी अधिक होने के कारण यमुना स्नान करने लगे, इसी बीच ये हादसा घटित हो गया। क्या हुआ है, क्या घटना घटी है? कुछ घटना नहीं घटी, डैन नहाने के लिए आए थे, नहाते नहाते डूब गया लड़का साथ वाला। कितने लड़के? दो बेटे, चार थे। तो चार में से अब किसकी तलाश की जा रही है? लालू की। कितने, क्या क्या नाम थे चारों के? लालू, मन्नू, आकिब, सत्ता। तो अभी कितने लोग निकाले गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में? तीनों निकले हैं, एक बह गया है। तो एक में आप शामिल हैं, दो और कहाँ हैं? दो के पाँच पेट है, पानी भर गया, हॉस्पिटल ले गए उसको। पहले दोनों को हॉस्पिटल ले गए, उन दोनों के नाम? आके फरमान। तो आप लोग यहाँ नहाने आए थे? हाँ जी। उम्र कितनी रही होगी लगभग? उम्र ऐसी है 19 साल, 19 को 20, 19 20।